नमस्कार। सो कल शाम को ऑल इंडिया काउंसिल शेड्यूल आ गया, और जो भी मेरा चैनल सुनते हैं आपको पता ही है कि मैं बार बार समझाता हूँ कि इंडिया में 25 काउंसिलिंग चलती हैं, तो उसमें से एक काउंसिलिंग होती है जो केंद्र सरकार की होती है। और अब आपको नाम से पता चल जाता है ना कि स्टेट सरकारी कॉलेजों का ऑल इंडिया कोटा, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मतलब एम्स, जिपमर, पौंडेचेरी, PHU, AMU उसमें आता है, और प्राइवेट में जो लोग स्टेट का बेनिफिट नहीं लेते, जिसको हम डे टू डे भाषा में डीम्ड कहते हैं। पर मैं आपको बार बार समझाता हूँ कि डीम्ड हिंदुस्तान में खाली प्राइवेट 53 नहीं 150 है। लास्ट 51 साल दो आ चुकी है, MGM नेरुल और ग्रैफिक हीरा। तो इस शेड्यूल को देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि स्टेट्स का शेड्यूल कैसे चलता है। मैं हमेशा आपको हाथ से शत्रु समझाता था, और सबसे बुरी बात यह है कि फिर से बच्चों का एक महीना पूरा खराब कर दिया। क्योंकि अगर ये काउंसलिंग हिसाब से देखिए, अगर टाइम से रिजल्ट आता जो आ भी गया था, जो पहला रिजल्ट था फिर दूसरा रिजल्ट था, तो 1 जुलाई से काउंसलिंग शुरू होनी चाहिए थी, तो फिर हमारा आराम से सेशन 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता। अब 1 जुलाई से ये 15 अगस्त पे लेके चले गए हैं, तो सेशन हमारा होगा तकरीबन 1 नवम्बर से। कोई बात नहीं, मतलब पिछली खींचातानी की जाएगी, और बच्चों को फर्स्ट ईयर में जैसे कहते हैं तेज तेज पढ़ाया जाएगा, छुट्टियाँ कम दी जाएंगी, विंटर वैकेशन काट ली जाएंगी, और फिर अगले जुलाई तक आते आते बच्चे नॉर्मल हो जाएंगे। तो ज़्यादा मत घबराइए, कोविड में तो 3 3 महीने लेट था, बट फिर भी 1 महीना लेट खाम खा में ही है ना, बच्चों पे प्रेशर पड़ जाता है, खासकर जो फर्स्ट ईयर की बात होती है, बिकॉज फिर वे लोग एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं, और सैटरडे से छोड़ो संडे को भी क्लासेस लगाते हैं। बट देखिए, जो हमेशा कहता हूँ, ये तो आपका काम नहीं है, ये इस समय ऑलरेडी चल रहा है NMC और कॉलेजेस के बीच में अबाउट कि फाइनल सीट कितनी है। हमेशा वही 5 से 6 दिन का समय दिया जाता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, और रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ही आपकी चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट हो जाती है। 2 दिन इनका सर्वर लगाता है रिजल्ट देने में, 23 को रिजल्ट आया, 24 और 29 आपको रिपोर्टिंग का टाइम दिया गया, और उसके बाद 30 से 31 हो रहा है। अभी एक राउंड देखिए कुल कितने दिन चला, 8 5 13, बस ये मत गिनिए, 8 2 10 11 6 17 19, मतलब जो हम एक 19 20 का राउंड होता है। अब पर डेट का फर्क देखिए, अभी 31 अगस्त को खत्म हो रहा है, बट राउंड 2 शुरू होगा 4 सितंबर को, एक्चुअली प्रैक्टिकली स्पीकिंग 5 सितंबर को, राइट। अब ये इंश्योर यही करते हैं, ये 5 और इस 31 के बीच पे स्टेट चल रहा है, तो स्टेट देखिए तो वेट नहीं करेगा, स्टेट अपना जो रजिस्ट्रेशन है ना ये शुरू कर देंगे तकरीबन तकरीबन 24 तारीख को। तो यहाँ पर ये खत्म हुआ, रिजल्ट आ गया, आप रिजल्ट देख लीजिए MCC का, और फिर आप स्टेट में अगर आपको भरना है कि नहीं भरना है आप डिसाइड कर सकते हैं ना। तो ये टाइमिंग हमेशा ऐसे देते हैं, तो स्टेट्स जो जितने भी स्टेट्स होंगे, UP, उत्तराखंड, हिमाचल, तमिलनाडु एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सबका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 24 से। फिर आप कहोगे सर लेकिन कर्नाटका ने तो पहले कर लिया था, दोबारा करने वाला है, केरला ने करके खत्म कर दिया, पुदुचेरी ने ओपन कर दिया, सिक्किम मणिपाल ने ओपन कर दिया, कोई बात नहीं। तो वो रजिस्ट्रेशन में शायद हमें समय कम दे क्योंकि पहले हो चुका होगा, बट फिर प्रोसेस बिल्कुल ऐसे चलेगी। तो अगर MCG रफली स्पीकिंग स्टार्ट हो रहा है 14 से, तो जैसा मैंने कहा ठीक 10 दिन बाद 24 से स्टार्ट होंगे स्टेट्स, और फिर ऐसे शेड्यूल चलेगा आगे। तो अगर राउंड 2 MCG का स्टार्ट होगा 4 तारीख को, तो स्टेट्स 4 सितंबर को, स्टेट्स का चालू होगा 14 सितंबर को। MCC राउंड 3 चालू कर रही है 25 सितंबर को, स्टेट्स करेंगे 5 अक्टूबर को, और फिर जो स्ट्रे राउंड है आप नोट कीजिए, डेट से पता चलता है कि अक्टूबर एंड तक सब मामला खत्म हो रहा है। अक्सर स्टेट्स के राउंड 4 की नौबत आती नहीं है, पर जब अगर आएगी तो इसी दौरान वो स्टार्ट कर देंगे, उसमें ज़रा डिले नहीं करेंगे। ये जो रिपोर्टिंग के 7 दिन दिए गए हैं ना, तो स्टेट्स का जो चौथा राउंड होगा ये कोशिश करेंगे कि अगर ये 16 अक्टूबर स्टार्ट है, तो उसको 22 अक्टूबर को करके ही 30 अक्टूबर एक राउंड फिगर में डेडलाइन हो सकती है कि भाई 31 अक्टूबर तक कॉलेज खत्म करके 1 नवंबर से आप कॉलेज स्टार्ट कीजिए। तो फिर 1 नवंबर से ताकि क्लासेस स्टार्ट हो जाए। तो आई होप कि सबसे बड़ी बात है कि आपको स्टेट्स और ये समझ में आ जाए। अब जो मैं आपको हमेशा समझाता हूँ अपग्रेड, देखिए अपग्रेड हमेशा काउंसलिंग में हो सकता है, तो सबसे बड़ा जो अपग्रेड लोग पॉसिबल करते हैं, आपने MCC की सीट पकड़ रखी है, ये राउंड 2 की पकड़ी, ये राउंड 3 आया, अब आपने पास जो राउंड 2 की सीट है उसको आप इस राउंड 3 के शुरू होने से पहले अगर रिजाइन करते हैं तो आपकी फीस पूरी वापस आ जाएगी, पर 2 लाख कटेगा राउंड 2 के बाद अगर वापसी कर रहे हैं। तो जिनको स्टेट्स में अच्छी सीट मिल गई, जो मन की सीट थी, तो फिर आप MCC राउंड 3 होने से पहले रिजाइन कर सकते हैं।
बट एक बार एमसीसी का राउंड 3 हो गया और आपने यहाँ पर रिपोर्ट करके सीट पकड़ रखी है या पुरानी सीट आपकी कंटिन्यूड है, तो आपको रेजिग्नेशन अलाउड नहीं होता। तो यही बारीक रूल होते हैं जो काउंसलिंग के दौरान आपको समझने होते हैं, जिसको हम ऑप्टिमल सीट बोलते हैं बार बार, कि क्या जल्दबाजी में 300 नंबर होने के बावजूद, 330 नंबर होने के बावजूद तमिलनाडु और पौंडेचेरी की वो जो गॉड फोरसेकन लोकेशंस पे विथ लैंग्वेज एंड फूड प्रॉब्लम स्पेशली फॉर नॉर्थ इंडियन एंड हिंदी भाषी लोग, वहीं चले जाएं, या ठीक से स्ट्रेटजी बना के स्टेट्स राउंड 2 का वेट करें और 350 नंबर में शायद हमें हिंदी बेल्ट में अपने खाने और भाषा के साथ बेटर कॉलेज मिल जाए, रेदर देन गोइंग टू पुदुचेरी के 4 डीम्ड या तमिलनाडु के भारत सत्यसाई एक्सेट्रा एक्सेट्रा में वेल्स में जाने में। तो यही एक स्मार्टनेस होती है कि इन डेट्स से ना पता चलता है, और ये डेट्स सच बताऊँ हमेशा ऐसी सैक्रोसेंट नहीं रहती। ये भी हो सकता है कि जब राउंड 1 आएगा तो ये चॉइस फिलिंग 20 के बदले 21 तक अलाउड कर दी जाएगी, ये रिजल्ट 21 के बदले सीधा 22 को ही आएगा, सॉरी ये प्रोसेसिंग और रिजल्ट 23 के बदले 24 को हो जाए, तो रिपोर्टिंग फिर भी 25 29 चलेगी। फिर आप हमेशा मुझसे पूछते हैं कि सर लोन कैसे लें। अब देखो ना, आपको रिजल्ट मिला 23 तारीख को, रिपोर्टिंग करनी है आपको 29 तक मैक्सिमम, इससे पहले आपको फीस जमा करानी है। रिपोर्टिंग का मतलब होता है फीस जमा कराना। तो 5 दिन के अंदर कौन सा बैंक आपका लोन अप्रूव करेगा? इसलिए मैं आप सबको हमेशा सलाह देता हूँ कि पहले साल की फीस का इंतजाम जुगाड़ तो आपको खुद करके रखना ही पड़ेगा। तो इस डेट से आप ये भी चीज समझ गए ना कि क्यों मैं मना करता हूँ कि पहले साल लोन के भरोसे मत रहो। सीट मिलने के बाद 4 दिन का समय मिलता है आपको, ठीक है। राउंड 1 से अगर एमसीसी के राउंड 2 अपग्रेड हो जाए तो फिर से वही बात है, रिजल्ट मिला आपको, लेट से आपकी सीट चेंज हो गई, आपको फीस देनी है 6 दिन के अंदर। लेकिन जब आप पहले कॉलेज में जाके सीट छोड़ के आओगे, वो आपके पैसे वापस करेगा 20 दिन के अंदर। तो आपको एक जिसे बोलते हैं ना कैश इशू होगा, पैसे नहीं मरेंगे आपके, बट इस बंदे को 22 लाख अभी देने पड़ेंगे, इसके 22 लाख वापसी आएंगे 15 दिन में, तो आपके बैंक में वो डबल पैसे होने चाहिए। ये एक और चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप अपग्रेड में ट्राई करना चाहते हो तो अपने बैंक में डबल पैसे रखिए। मतलब अगर आप 25 लाख का बजट लेके चल रहे हैं तो 50 लाख इस समय अपने बैंक में रखिए, तभी आप अपग्रेड वाली चीज पे जा सकते हैं। अपग्रेड आप समझ गए इस डेट से, आप ये समझ गए कि क्यों लोन नहीं मिल सकता, आप ये समझ गए कि ऐसे स्टेट्स इसके बीच में घुसते हैं, और स्टेट राउंड 2 के बाद एमसीसी का राउंड 3 होगा। तो स्टेट में अगर आपको राउंड 2 में अच्छी सीट मिलती है, तो अगर आपने एमसीसी की सीट पकड़ भी रखी है, आप जाके रिजाइन कर सकते हैं। एमसीसी राउंड 2 के बाद रिजाइन करेंगे तो भी 2 लाख डिपॉजिट चला जाएगा जो आपने एमसीसी को दिया है, कॉलेज तो सारी फीस आपकी वापस कर देगा लेकिन 15 दिन के बाद। ओके, तो ये ब्रॉडली है। और डिले की बात है, मैंने आपको पहले कहा था बार बार कि अब तो सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट भी आ गया, वैसे ये लोग सुप्रीम कोर्ट की वेट नहीं कर रहे थे। सच्चाई की बात है सबसे ज्यादा टाइम यहीं पर ही लग रहा है। पुराने कॉलेज सारे अपनी दे चुके हैं, लेकिन एनएमसी कई कॉलेज होते हैं जिनका रिन्यूअल होता है फॉर इंस्पेक्शन। एनएमसी की छोटी सी टीम है, उनको 800 750 800 कॉलेज का जाना है, खासकर जो नए कॉलेज हैं जो मैंने आपको बताया अटका दिए गए थे, जहाँ हम भी होकर आए हैं। खैर गीतांजलि जयपुर तो अभी बना ही नहीं है, बट कई कॉलेज ऐसे हैं जिनकी रुक गई थी, लाइक जेआईटी जोधपुर, कई कॉलेज ऐसे हैं वही हाथरस वाला और अपना हसनापुर वाला, अगर मैं यूपी की बात करूं, जिनकी फिलहाल परमिशन रोक दी गई थी लेकिन उन्होंने रीअप्लाई कराया। कुछ सरकारी कॉलेज हैं तो सरकारें स्टेट गवर्नमेंट प्रेशर डाल रही हैं कि दोबारा स्पेशल कीजिए, हमको अप्रूव कीजिए। तो वही जो पहले मैंने सोचा था कि भाई शायद ये अपना काम खत्म कर लेंगे 1 अगस्त तक, क्योंकि अब तो अगर रिजल्ट भी आ गया और ऑफिशियली तो इनको काम सोचिए 30 जून को खत्म करना था एनएमसी को, ये सारी इंस्पेक्शंस करके उन्होंने कर भी दिया था। आई स्टिल रिमेम्बर 7 जुलाई को उनकी मेज चली गई थी कि कौन पास है कौन फेल, बट जो फेल था फिर उन्होंने रिप्लाई करे, पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक प्रेशर डाला, और अब एनएमसी प्रैक्टिकली एनएमसी ही टाइम लगा रही है। तो 14 अगस्त का मतलब ही है कि एनएमसी तब तक का समय ले रही है, और कुदरती बात है जो शुरू से मैं कहता था कि 14 अगस्त इज अ मंडे होगा, 28 29 30 31 4 11 बुधवार, तो बस शायद यू नो 10 11 तारीख तक का समय दे दिया गया है एनएमसी और कॉलेज को, ताकि वो अपना सॉर्ट आउट कर ले। ओके, तो ये लॉजिक आप समझ गए कि सीट अपग्रेडेशन आप कैसे कर सकते हो, क्यों फर्स्ट ईयर का लोन इम्पॉसिबल होता है, कैसे आप इस काउंसलिंग और सारी राज्यों की काउंसलिंग के बीच में जगल कर सकते हो ताकि आपको बेस्ट सीट मिले। लेकिन मैं रिपीट करके हूँ, अपग्रेड आप एक काउंसलिंग में कर सकते हो, तो अपग्रेड आप एमसीसी टू एमसीसी में जा सकते हो, उत्तराखंड टू उत्तराखंड में जा सकते हो। ऐसा नहीं होता है कि एमसीसी से अपग्रेड करके आप उत्तराखंड में जाओगे,
उत्तराखंड में आप अलग से जाओगे और एमसीसी आपको रिजाइन करनी पड़ेगी, और वो रिजाइन का रूल मैंने बता दिया, चाहे स्टेट की सीट आपने पकड़ी हो चाहे एमसीसी की पकड़ी हो, राउंड टू तक आप रिजाइन कर सकते हो, राउंड टू के बाद। लेकिन अगर उस काउंसलिंग का राउंड तीन हो गया और राउंड तीन में आपको सीट मिली हुई है तो फिर आप रिजाइन नहीं कर सकते। ओके, तो अगर आपने रिपोर्ट कर दिया तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। यही सब थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है नए लोगों के लिए समझना, और वही मैं आपको हमेशा कहता हूँ, हम सिर्फ काउंसलर नहीं है, इंडिया में और भी अच्छे काउंसलर्स हैं, और हमारा तो वैसे ही 100 का कोटा पूरा होने वाला है, तो जिससे भी संपर्क करें जरूर एक अच्छे काउंसलर से संपर्क रखिए। और जहाँ आप स्पेशली प्राइवेट कॉलेजों में 80 लाख करोड़ 1.25 करोड़ रुपये खर्च करने वाले हैं, तो कोई आपसे 30-50-75 हज़ार रुपये ले रहा है तो कोई बहुत ज़्यादा रकम नहीं है। और सरकारी बच्चों को भी मैं ये इंकरेज करूँगा कि जहाँ पर आपको सीट मिल रही है फ्री के भाव, जिसकी कीमत एक्चुअली मार्केट में 1.25 करोड़ रुपये है जो प्राइवेट कॉलेज के बच्चे दे रहे हैं, तो फिर से अगर आप वो 30-50 हज़ार रुपये किसी को दे रहे हैं ताकि आपकी प्रोसेस में कोई गड़बड़ ना हो जाए, गलती ना हो जाए, सो देने में कंजूसी नहीं कीजिए। इट्स अ वेरी बिग डिसीजन, लाइफ टाइम डिसीजन, तो आपको हमेशा काम आएगा। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। और ये आप शेयर करना चाहें अपने दोस्तों के साथ तो ताकि बाकी लोगों के पास भी सही जानकारी पहुंचे, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बाद में भी आपको ये जानकारियाँ मिलती रहे। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।